Welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. To continue our revision series with respect to the topic of history, today we are going to discuss about the kings and the titles which they hold over the period of time. Right? So in this particular video, we will be first covering up several rulers and their titles. And those who are interested in joining the test series and a complete full pack including prelims test series, MP current affairs and revision note, they can contact us over particular number of us, this number, right? So let's start with the first question. The first question says, Kunika title was given to which of the following king? Kunika jo title tha, inme se kis raja ko diya gaya hai? Options are Mahapadmananda, Chandragupta II, Harshvardhana and Ajatshatru. कुनिका जो टाइटल है वो मिला था आजाद शत्रु को, तो ये आपको याद करना, आजाद शत्रु को कौन सा टाइटल मिला, कुनिका। और ये किस डायनेस्टी से हैं? ही वॉज फ्रॉम हिरण्यका डायनेस्टी। अब लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमने डिस्कस किए थे कि डिफरेंट डायनेस्टी और उनके फाउंडर कौन थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं हिरण्यका डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या था, राइट? ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन अगर इसमें देखें, महापद्मनंदा, इनका भी एक टाइटल था, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अग्रसेन इनको टाइटल मिला था एंड ही वॉज फाउंडर ऑफ, हम फाउंडर भी आज डिस्कस करते जाते हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें, नंदा डायनेस्टी, राइट? फिर चंद्रगुप्त टू का जो टाइटल था ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता भी है, चंद्रगुप्त टू का टाइटल क्या था ये पूछता है, तो इट वॉज विक्रमादित्य। ठीक, तो आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे पूछा चंद्रगुप्त टू का टाइटल क्या है, तो आंसर होगा विक्रमादित्य। वैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य टू जो था उनका क्या टाइटल था, ये कोई और पर्सन है विक्रमादित्य टू, तो ये ध्यान रखना है, अभी डिस्कस करेंगे हम ओवर अवर अनदर क्वेश्चन। हर्षवर्धन अगर आप देखते हैं यहाँ पे, हर्षवर्धन जो थे इनका डायनेस्टी क्या था ये आप मुझे बताएंगे, और इनका जो टाइटल था वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज शिलादित्य। ठीक है, तो ये चार फॉर्म अलग अलग रूलर्स हैं अलग अलग डायनेस्टी के, और इनके क्या टाइटल्स थे आपको याद कर लेना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, कुनिका जो टाइटल है वो मिला था अजातशत्रु को, महापद्मनंदा को मिला था अग्रसेन का टाइटल, चंद्रगुप्त टू को मिला था विक्रमादित्य का टाइटल, और हर्षवर्धना को मिला था शिलादित्य का टाइटल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धनानंद वॉज गिवन द टाइटल ऑफ, जो धनानंद था उसे क्या टाइटल मिला था। अब ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए, आप कंफ्यूज होंगे ए और सी में। अग्रसेन लास्ट क्वेश्चन में ही, क्योंकि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि अग्रसेन किसका टाइटल था, अग्रसेन वॉज टाइटल ऑफ महापद्मनंदा। ठीक है, महापद्मनंदा का टाइटल था अग्रसेन, बट एक और टाइटल है अग्रमेसी, अग्रमेसी जो है वो टाइटल किसको मिला था, धनानंदा को, तो आंसर होगा सी। ठीक है, अग्रमेसी वॉज द टाइटल गिवन टू धनानंद, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अमित्रघट, ये आपको मैं कल पढ़ा चुका हूं पहले भी ऑलरेडी, तो अमित्रघट का टाइटल किसे मिला था ये आप मुझे बताएं, मैं ही बता देता हूं आपको, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट इज देवनामप्रिय। ठीक है, देवनामप्रिय ये टाइटल किसको मिला था, ये टाइटल मिला था अशोका को, किसको मिला था ये टाइटल, वॉज गिवन टू अशोका दी ग्रेट। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये बिंदुसार है यहां पे, लास्ट वीडियो में हमने जहां पे देखा था अलग अलग रूलर्स और अलग अलग डायनेस्टी के फाउंडर्स, तो वहां पे एक था बिंबिसार, बिंबिसार को क्या टाइटल दिया गया था आप ये मुझे बताएं, इस टाइटल से भी क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो ये भी आप मुझे बताएंगे, ये वही बता पाएंगे जिन्होंने लास्ट वीडियो को अच्छे से देखा और याद किया हो। सेंड्राकोटस टाइटल वॉज गिवन टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंड्राकोटस टाइटल किसे दिया गया था। ऑप्शंस आर अमोघवर्षा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त टू और नन ऑफ दी अब। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बुलाते थे, सेंड्राकोटस भी बुलाते थे, राइट? अब अमोघ वर्षा जो था इनका क्या टाइटल था, इस टाइटल वॉज वीर नारायण,
ये आपको याद कर लेना, वीर नारायण किसका टाइटल था, अमोघ वर्षा का टाइटल था। और चंद्रगुप्त टू का टाइटल तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं एक और क्वेश्चन में, विक्रमादित्य, राइट। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, वीर नारायण टाइटल किसको मिला था, अमोघ वर्षा को मिला था वीर नारायण का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वतापी कोंडा। देखिए क्वेश्चंस आपको बहुत सारे दिखेंगे, वतापी कोंडा, गंगई कोंडा, ठीक है, ये सब टाइटल्स हैं। तो वतापी कोंडा टाइटल वॉज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। ऑप्शंस आर नरसिम्हा वर्मन वन, पुलकेशिन टू, राजेंद्र वन और हर्षवर्धना। इनमें से किसको ये टाइटल मिला था? तो हर्षवर्धना का टाइटल तो हम पहले ही देख चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करिए, हर्षवर्धना का टाइटल था शिलादित्य, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, राइट। करेक्ट आंसर इज नरसिम्हा वर्मन वन। नरसिम्हा वर्मन को बोलते थे वतापी कोंडा। अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे ऐसे ही एक कोई गंगई कोंडा भी किसी को बोला जाता था, ठीक है। तो वतापी कोंडा किसको बोला जाता था, नरसिम्हा वर्मन वन को। और यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ, राजेंद्र वन को क्या बोला जाता था, गंगई कोंडा। तो ये आपको याद करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, विक्रमादित्य टू। अब देखिए आ गया ना, विक्रमादित्य टू ऑफ चालुक्या डायनेस्टी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ। विक्रमादित्य टू जो कि चालुक्या डायनेस्टी से थे, और मैंने आपको बताया था चालुक्या दो जगह पे रहे हैं, वेंगी और दूसरा चालुक्या ऑफ बादामी, राइट। अब यहाँ पे पूछा है कि विक्रमादित्य टू जो चालुक्या डायनेस्टी के थे उनको क्या टाइटल दिया गया था, ठीक है। अमित्रघट, ये अभी मैंने आपको डिस्कस किया है कि अमित्रघट जो टाइटल है वो किसे दिया गया था, इट वॉज गिवन टू बिंदुसार, राइट। शिलादित्य टाइटल किसे दिया गया था, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है, याद भी करते जाना है आपको। वीर नारायण किसे टाइटल दिया गया था, अमोघ वर्षा, राइट, इन्हें दिया गया था। अब बचता है एक ही ऑप्शन सिकंदर, तो सिकंदर का टाइटल किसे दिया गया था, विक्रमादित्य टू को, ये आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। विक्रमादित्य को सिकंदर का टाइटल दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेम फिर वही पूछा है, गंगई कोंडा टाइटल वॉज गिवन टू, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, अभी हमने पढ़ा था ना वतापी कोंडा। तो आप पहले तो ये बताइए, वतापी कोंडा किसे कहा था, नरसिम्हा वर्मन को, नरसिम्हा वर्मन वन, इसे क्या कहा गया था, वतापी कोंडा। अब गंगई कोंडा टाइटल है ये किसे दिया गया था, तो गंगई कोंडा टाइटल वॉज गिवन टू राजेंद्र वन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बट राजेंद्र वन ही वॉज फ्रॉम विच डायनेस्टी, ही वॉज फ्रॉम चोला डायनेस्टी। तो ये आप याद कर लीजिए, राजेंद्र वन ऑफ चोला डायनेस्टी वॉज नोन एज गंगई कोंडा, राइट। पुलकेशिन टू, पुलकेशिन टू को क्या बोला जाता था, परमेश्वर, राइट, परमेश्वर का टाइटल दिया था किसे, पुलकेशिन टू को। अब ये जो पुलकेशिन है, पुलकेशिन वन भी हमने कल डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो चालुक्य ऑफ बादामी के फाउंडर का नाम था पुलकेशिन वन, ठीक है, चालुक्य ऑफ बादामी के जो फाउंडर थे उनका नाम था पुलकेशिन वन, ठीक है। पुलकेशिन टू को बोलते थे परमेश्वर, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते थे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको बोलते थे हम सेंड्रोकोटस। बार बार नाम सुनने से आपको याद होगा इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। नरसिम्हा वर्मन का मैं बता चुका हूँ आपको, वतापी कोंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वॉट टाइटल वॉज गिवन टू कनिष्क। कनिष्क जो रूलर थे, ठीक है, उनको क्या टाइटल दिया गया था? ऑप्शंस आर आंध्रा भोजा, छत्रपति, शिलादित्य एंड देवपुत्र। देखिए शिलादित्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि शिलादित्य जो टाइटल है ये किसका टाइटल है, ये हर्ष का टाइटल है, हर्षवर्धन का, राइट। छत्रपति किसे बोलते थे, शिवाजी को बोलते थे, ठीक है, शिवाजी का टाइटल था। अब आंसर बचता है आपके पास, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, आंध्रभोजा और देवपुत्र, राइट। तो देवपुत्र बोला जाता था किसे, कनिष्का को। तो ये आपको याद कर लेना, देवपुत्र का टाइटल किसे मिला था, कनिष्का को मिला था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंध्रभोजा किसे कहा जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं साउथ इंडिया के, इनका नाम था कृष्ण देव राय, ठीक है। कृष्ण देव राय को क्या कहा जाता था, आंध्रभोजा। तो ये भी आपको मेमोराइज कर लेना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टाइटल ऑफ लख बख्श वॉज गिवन टू लख बख्श किसे कहा जाता था? ऑप्शंस आर दारा शिकोह, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बाबर को। द करेक्ट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज नोन एज लख बख्श। ठीक है, अकबर को भी एक बहुत फेमस टाइटल मिला हुआ था जो ज़्यादा आप सुनते नहीं हैं, दैट वॉज इस्लाम ए आदिल। ठीक है, इस्लाम ए आदिल किसको मिला था टाइटल? अकबर को मिला था। और दारा शिकोह को क्या टाइटल मिला था? इनको मिला था शाह इकबाल। ठीक, ये धीरे धीरे पॉज करके आप सारा याद करते जाएं। बाबर को मिला था गाजी। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। और जो बच्चों को कुछ क्वेश्चंस अभी इसमें समझ में नहीं आए हैं वो इस कारण से क्योंकि उन्होंने फाउंडर्स वाला वीडियो नहीं देखा जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं उनके फाउंडर कौन थे। तो अभी आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि ये किस किस डायनेस्टी को, इनके डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। राइट, डायनेस्टी ऐसे एक टेबल बना लीजिएगा और उनके फाउंडर्स कौन रहे हैं मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ, बताइएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में। वाकाटका, चालुक्या, राष्ट्रकूटा, अब इनमें से मुझे बताइएगा एक और चीज़ कि एलोरा किस की केव किसने बनाई है और अजंता की केव किसने बनाई है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ है रिलेटेड टू फाउंडर्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टी उसको जाके देखें और इस तरीके का चार्ट एक बना के वहाँ पे आप इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, पुष्यभूति तो मैंने ही आपको बता दिया वर्धमान डायनेस्टी के थे। ठीक है, परमार डायनेस्टी, तो ये आप यहाँ पे फाउंडर्स उसके आगे लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, है ना। इसी तरीके से आप कंटिन्यू करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, अगर फिजिबल रहा तो उसको ज़रूर बनाया जाएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।